वेलकम बैक टू नीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में अपना पढ़ा था अबाउट कि हम किस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म को करेक्टराइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, देन वी हैव टू क्लासीफाई एंड लास्टली हम क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, राइट। तो हम इसी को आगे कॉन्टिन्यू करेंगे आज कि हमने लास्ट लेक्चर में जो चीज़ सीखी हुई है। तो मैंने आपको कहा था कि लास्ट लेक्चर में कि जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ऑल दो इसके साथ हमें कौन सी ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, कौन से ऐसे रूल्स हैं जिनको अप्लाई करना पड़ेगा ताकि जो है एट अ स्टैंडर्ड टाइम पर हम इसको यूज़ कर सकें, राइट। मैंने आपसे कुछ बात कही थी अबाउट द कॉमन नेम्स एंड द साइंटिफिक नेम्स। तो मैंने आपको बोला था कि कॉमन नेम्स की बात में हमने बोला था कि कॉमन नेम्स आर वेरी कॉमन, राइट, इजी टू लर्न है, इजी टू कैरी ऑन। अगर हम बात करें तो हम इजीली कहीं पे भी कभी भी बोल सकते हैं, ठीक है, याद करने में आसान है, इजीली हमें कोई भी दिख रही है चीज़ हम उसको बोल रहे हैं, राइट। लेकिन साइंटिफिक नेम के लिए मैंने बोला था कि एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म की जाती है, वो भी किन के लिए, रिसर्च फील्ड के लिए, द वंस हु स्टडीड इट, राइट। तो उनके लिए हम क्या चूज करते हैं, साइंटिफिक नेम्स। और साइंटिफिक नेम्स की यही एडवांटेज है कि हम कहीं पर भी वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर पे चले जाएंगे तो हम उसका साइंटिफिक नेम जो है वो क्या रहेगा, एक जगह हर जगह कॉमनली नहीं रहेगा, वो एक स्पेशलाइज कैरेक्टराइजेशन हो जाएगी, राइट। अब हम लोगों ने इसके साथ ही जो पढ़ा था टेक्सोनॉमी के बारे में, तो हमें पता है कि व्हाट इज टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी हमने बोला था कि वो प्रिंसिपल्स, वो प्रोसीजर जो हम प्रोसीड आउट कर रहे हैं एक किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी क्लासिफिकेशन में ढालने के लिए, दैट इज द टेक्सोनॉमी। और साथ ही हमने बताया था आपको कि टेक्सोनॉमी जो है, टेक्सोनॉमी के फादर कौन है, राइट, कौन, कार्लस लिनियस, ही वॉज द फादर ऑफ द टेक्सोनॉमी, राइट। स्टिल इसके आगे हम बात करें कि खाली टेक्सोनॉमी तक जो है खाली टेक्सोनॉमी में जो है लिनियस का काम रहा या और भी कुछ मॉडिफिकेशंस जो हैं वो इसमें एडअप होती गई, राइट। तो इसी के आगे हम बात करेंगे। हमारे पास जो है लिनियस ने हमें दिया है एक नोमेनक्लेचर, क्योंकि हम सीख चुके हैं कैरेक्टराइजेशन सबसे पहले करनी है, सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे हमको आइडेंटिफिकेशन करनी है, देन हमने बोला था वी हैव केपी सिंह जिसको बहुत खांसी होती है जैसे वो जीनस और स्पीशीज का नाम सुनता है, तो हमें किंगडम में डालना है उसको, फाइलम में डालना है, क्लास में डालना है, ऑर्डर में डालना है, फैमिली में, जीनस में, स्पीशीज में, किस रैंक में हमें डालना है वो हमको डिसाइड करना है। और वो किसके बेसिस पे कर रहे हैं, हम क्लासिफिकेशन के बेसिस पे कर रहे हैं। उसी के आगे अगर हम बात करें, अब हमें नामकरण करना है, दैट इज द नोमेनक्लेचर, नेमिंग देनी है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, राइट। तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नाम जो हम देंगे, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, जो हमारे पास इसकी हिस्ट्री थी उसकी अगर हम बात करें, तो हिस्ट्री में हमारे पास सबसे पहले जो है आया हमारे पास, दैट इज द पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर, राइट। सबसे पहले हमारे पास कौन सा था, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के नाम से अगर हम समझे तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि बहुत सारे नाम। और हमारे लिए ये चीज़ जो है स्टिल क्या रही, दुविधा बन गई कि इतना सारा नाम हम अभी भी कैसे याद करेंगे। तो ये समझ लो जैसे तमिलनाडु वाले लोग जो हैं वो अपने नाम के साथ सरनेम, देन ग्रैंड पेरेंट नेम सारा का सारा लगा कर चलते हैं, तो इतना लंबा नाम बन जाएगा हमारे पास, इतने लंबे नाम को याद करना हमारे लिए क्या है, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो बट दिस इज़ द पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर, जहाँ पर हमें क्या देखा कि उसका जीनस भी था, उसके साथ स्पीशीज भी थी, उसकी फैमिली, ऑर्डर, ये सब चीज़ें जो थी साथ में थी। तो भाई लिनियस ने बोला घबराओ मत, पॉलिनोमियल तुम्हें नहीं देते, तुम्हारे लिए मैं एक आसानी कर देता हूँ। वो आसानी क्या है, वो आसानी आ गई हमारे पास, दैट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। बाय मीन्स टू, राइट। तो लिनियस ने हमारे पास जो है बोल दिया कि भाई लोग तुम टेंशन मत लेना, तुम्हारे लिए टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए काम आसान कर दिया हुआ है, मैंने सिर्फ नाम को दो हिस्सों में बांट दिया है, जिसको हम दो हिस्सों में क्या बोलेंगे, एक को हम बोलेंगे जेनरिक नेम एंड द अनदर वन इज द स्पेसिफिक नेम, राइट। तो सिंपल बना दिया, एक को आप जीनस बोल रहे हो और एक को आप क्या बोल रहे हो, स्पीशीज बोल रहे हो। अब ये तो बात बोल दी, किसने बोली, ये नोमेनक्लेचर किसने दिया हमें, लिनियस ने दिया। अब जब लिनियस ये नाम दे रहे थे, राइट,
तो उन्होंने जो है जितना भी काम किया था, उन्होंने दो बुक्स लिखी थी, और वो दो बुक्स कौन सी थी हमारे पास? वो दो बुक्स थी हमारे पास, वन इज द सिस्टमा नेचुरे एंड द सेकेंड वन इज स्पीशीज प्लांटेरम। जो दो बुक्स हमें याद रखनी है, राइट? दो बुक्स के नाम मैंने यहां पे लिखे हैं, वन इज द सिस्टमा नेचुरे एंड अनदर वन इज द स्पीशीज प्लांटेरम। नाम से ही आपको पता चल रहा है प्लांटेरम है तो इट इज फॉर प्लांट्स एंड दिस इज वन फॉर द एनिमल्स। जहां पर लिनियस ने बहुत ज्यादा काम किया है, नंबर ऑफ बुक वॉल्यूम्स रिलीज की, जहां पर उन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को क्या किया, क्लासिफाई किया, और आफ्टर दैट ही हमारे पास 1753 के बाद ही जो है ऑर्गेनिजम्स को एक लीनियस के मेथड से ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया, राइट? अब क्या किया गया, अब टेंशन बढ़ गई कि जब हम इन चीज़ों को क्लासिफाई करेंगे तो भाई हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, बहुत सारा काम पड़ जाएगा। तो बोला कि जैसे हर जगह पे क्या होता है, किसी छोटे छोटे काम के लिए हम क्या कर देते हैं, लेबर डिवीजन को डिवाइड कर देते हैं, राइट? वैसे ही हमने नोमेनक्लेचर में भी सिमिलरली ऐसे ही किया, हमने डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिए। एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया जो सिर्फ काम कर रहा है किसके लिए, प्लांट्स के लिए, और एक डिपार्टमेंट हमने क्रिएट कर लिया जो सिर्फ किसके लिए काम कर रहा है, एनिमल्स के लिए, राइट? तो हमारे पास यहाँ पर जो नेक्स्ट कैटेगरी आ गई हमारे पास, वो क्या है हमारे पास, वी हैव जो हमारे पास दो कैटेगरीज यहाँ पर आ जाती हैं, दैट इज ICBN एंड द सेकेंड वन इज ICZN, राइट? वन इज ICBN एंड अनदर वन इज ICZN। ICBN का क्या फुल फॉर्म है, इट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, राइट? एंड द सेकेंड वन इज जेड से दिखा रहा है, तो सिमिलरली ये क्या होगा, इट इज एन इंटरनेशनल कोड फॉर किसके लिए, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, राइट? तो ये हमारे पास उन्होंने बोला कि टेंशन मत लो, हमने डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर लिए हुए हैं, वी हैव ICBN, वी हैव ICZN, राइट? इंटरनेशनल कोड बुक में यहाँ पर आपको ऑफ भी दिखेगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर या फॉर बोटैनिकल नोमेनक्लेचर, और इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। सिमिलरली हमारे पास इसी तरीके से कल्टिवेटेड प्लांट्स के लिए भी है, इसी तरीके से हमारे पास वायरसेस के लिए भी है, और इसी तरीके से हमारे पास बैक्टीरियाज के लिए भी डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए गए हैं कि इस तरीके से जो है आप क्या करो, इन सब का नोमेनक्लेचर क्रिएट करो, राइट? अब हम बात करेंगे कुछ रूल्स की, कि कौन से ऐसे रूल्स हैं जो लीनियस ने कहा कि जो स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ेंगे आपको, वेदर यू हैव टू नोमेनक्लेचर। जब भी आपको कभी नाम देना पड़ेगा किसी भी, जो आप आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो, कोई नई स्पीशीज आपके, आपको पता चल गई है कि कोई नई स्पीशीज है आपके पास, तो आपने देख लिया भाई मैंने करैक्टराइजेशन कर ली, मैंने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि ये किस में आएगा। अब क्लासिफिकेशन में भी आपने ये देख लिया कि इसका टेक्सोन कौन सा आ रहा है। आफ्टर दैट इज द लास्ट स्टेप, आपको उसको नाम देना है। तो अभी मैंने बोला कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर के थ्रू जो है हम उसको नाम देने वाले हैं, तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं हमारे पास। वो रूल्स क्या हैं, दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है हमेशा। फर्स्ट वन थिंग इज कि आपके पास जो भी हमारे पास जीनस और स्पीशीज हैं, दैट इज द जेनरिक और द स्पीशीज नेम। जेनरिक नेम जो है हमारा, इट इज ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, राइट? ये हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना है। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास स्पेसिफिक नेम है, दैट इज द स्पीशीज नेम, वो हमेशा किससे स्टार्ट करना है हमको, स्मॉल लेटर से, राइट? मैं आपको एक एग्जांपल लिख के देती हूँ यहाँ पर,
जैसे हमारे पास नाम है रोजा इंडिका, सो आपको ये नाम लिखना है इस तरीके से, दिस इज द जीनस एंड दिस इज द स्पीशीज, राइट। तो जीनस का नाम मैंने पहला लेटर हमेशा क्या डाला, कैपिटल ही डलेगा अगर आप इसको इस तरीके से लिखते हो, तो ये गलत है, राइट। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख रहे हो अगर, तो इसमें जीनस का नाम तो भी क्या लिखा, अभी गलत लिखा। तो जो राइट वे है वो क्या है, फर्स्ट लेटर इज कैपिटल एंड द सेकेंड लेटर, दैट मीन्स द लेटर दैट बिलोंग्स टू द स्पीशीज, जो पहला लेटर है स्पीशीज का वो कैसा होगा, स्मॉल, डन। ये आगे पहली बात। दूसरी बात जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है वो क्या याद रखनी है, कि जब भी हम यहाँ से जो भी वर्ड्स ले रहे हैं, जो नोमेनक्लेचर के लिए नेम ले रहे हैं, वो नाम हमेशा जो है वो कहाँ से लिया जाएगा, इट इज टेकन फ्रॉम द लेटिन लैंग्वेज, दैट मीन्स ग्रीक से, हमेशा जो है ग्रीक या लेटिन लैंग्वेज से ही उसका आपको क्या करना है, नेमिंग करनी है। बिकॉज नेमिंग क्यों करनी है लैटिन लैंग्वेज से, बिकॉज लैटिन लैंग्वेज जो है वो हमारे पास क्या है, एक डेड लैंग्वेज है जो कि चेंज नहीं होगी। तो इसीलिए जो है ये चुना गया है कि जो भी आप नाम लो वो कहाँ, कौन सी लैंग्वेज से बिलोंग करते होने चाहिए, आदरली फ्रॉम द ग्रीक और फ्रॉम द लैटिन, ताकि वो जो है आगे जाके फर्दरली वो चेंज ना हो, राइट। देन द थर्ड थिंग इज कि जब भी आपको इन चीज़ों को लिखना है, ठीक है, आपको जब भी इन चीज़ों को क्या करना है, इफ़ यू वॉन्ट टू राइट डाउन दिस थिंग्स, तो आपको किस तरीके से लिखनी है ये चीज़ें, अगर तो वो प्रिंटेड फॉर्म में है, अगर वो कैसी हैं, प्रिंटेड फॉर्म में है, तो वो हमेशा इटैलिक्स में लिखी जाएगी, प्रिंटेड फॉर्म में है तो इटैलिक्स में लिखी जाएगी। लेकिन हमेशा जो है वो प्रिंट फॉर्म में नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे उस चीज़ के लिए, अगर प्रिंटेड फॉर्म में नहीं है, हम लोग खुद लिख रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम उसको लिख रहे हैं तो हम उसको सेपरेटली क्या करें, अंडरलाइन करें। द थर्ड थिंग इज क्या हमारे पास, थर्ड थिंग इज कि जो भी हमारे पास हम लिख रहे हैं आइदरली, अगर वो प्रिंटेड फॉर्म में है वो कैसी होनी चाहिए, इटैलिक्स में, लेकिन अगर आप हैंड रिटन लिख रहे हो, अगर वो चीज़ कैसी है, हैंड रिटन लिख रहे हो, इट शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन, राइट। सेपरेटली आप उनको क्या करना पड़ेगा, आपको अंडरलाइन। अगर बोर्ड्स के एग्जाम्स में आप इन चीज़ों को अलग लिख रहे हो तो आपके इसमें मार्क्स कट जाएंगे, राइट। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर नाम लिख रही हूँ, नाजा नाजा, जाने की बात नहीं कर रही हूँ, बात कर रही हूँ नाजा नाजा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कोबरा। सो सी, यहाँ पर फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटल लिखा है और इसका फर्स्ट लेटर मैंने क्या लिखा है, स्मॉल, और मैं क्योंकि ये प्रिंटेड फॉर्म नहीं है, हम इटैलिक्स में नहीं लिख रहे हैं, सो मैंने इसको कैसे लिखा है, सेपरेटली इसको क्या किया हुआ है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, डन। ये आ गई हमारे पास तीसरी चीज़। उसके बाद जीनस और स्पीशीज के साथ साथ जब भी आप नाम लिख रहे हो तो लास्ट चीज़ जो है ऑथर का नाम। आप और मैं, फॉर एग्जाम्पल, आपने और मैंने किसी एक स्पीशीज के ऊपर काम किया, राइट। जब हम दो बंदे जो हैं किसी एक सेम स्पीशीज पे काम करें लेकिन हमारी जगह अलग अलग है और हमें पता नहीं है इसके बारे में, अब काम किया, हो सकता है कि हमारा काम एक ही टाइम पर ख़त्म हुआ हो, तो हमारे पास क्या है, जो ये डिपार्टमेंट्स हैं, जो ये रॉयल कमिटीज़ हैं हमारे पास, ICBN, ICZN, तो हम लोग इनके पास जाएंगे, अपना काम सबमिट करेंगे, राइट। जिसका काम पहले सबमिट होगा, हो सकता है मैंने काम पहले का किया हो लेकिन मैं सबमिट बाद में कर रही हूँ, लेकिन आपने वो सबमिट पहले कर दिया, तो उसकी सारी क्रेडिबिलिटी जो है वो सारी की सारी किस पे जाएगी, आपके पास। मैंने बेशक काम क्या किया था, पहले किया था, लेकिन मुझे जो है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। सो जो भी ऑथर है हमेशा जो है उसका नाम अगर लिखा जाएगा तो वो एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बुक में एग्जाम्पल दी हुई है मैंगिफेरा इंडिका की, दैट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, और इसके इस ब्रैकेट में अगर आप देखोगे तो साथ में लिखा हुआ है इस तरीके से, दैट शोज, एक एग्जाम्पल है कि लीनियस ने ये बताई हुई है, राइट। तो हमेशा जो ऑथर का नाम होगा इट शुड बी रिटन इन द एब्रीवेटेड फॉर्म, राइट। तो ये हमारे पास कुछ रूल्स हैं
जो स्ट्रिक्टली हम लोगों को क्या करने हैं, फॉलो करने हैं वाइल हैविंग द बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर, राइट। तो आपको मैं एक स्लाइड पर जो है ये रूल्स दिखा देती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो, दिस इज द यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। फर्स्ट वन इज द बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली रिटन इन इटैलिक्स, राइट। देन उसी के साथ साथ मैंने दूसरी बात आपको बोली कि अगर हैंड रिटन लिख रहे हो तो हमें क्या करना है, इट शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन। देखो, बोथ द वर्ड्स इन द बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लेटिन ओरिजिन, ताकि वो चीज वहां पर बरकरार रहे, राइट। देन जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर व्हाइल स्पेसिफिक एपिथेट, जो स्पीशीज नेम है वो हमेशा किससे लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर से। Then the name of the author is written in an abbreviated form at the end of the biological name. तो जैसे आपको मैंने अभी example में दिखाया, similarly हमें इसी तरीके से universal name को क्या करना है, लिखना है। I hope आप लोगों को ये rules जो हैं वो clear हो चुके होंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और बात बताती हूँ यहाँ पर। क्या हमारे पास zoological names जितने भी हम देते हैं तो वहाँ पर जीनस और स्पीशीज नेम जो है वो क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं। लेकिन बॉटनी वाले सीधी सीधी बात बोलते हैं, भाई जीनस और स्पीशीज नेम दोनों हमेशा सेम नहीं हो सकते, वो इस चीज़ को फॉलो अप नहीं करते। और ऐसे नाम जहाँ पर हमारे पास क्या है, जहाँ पर हमारे पास जीनस और स्पीशीज दोनों सेम हो, जीनस और स्पीशीज दोनों के जो नाम है सेम हो, ये सिर्फ कहां पर फॉलो अप होगा, जूलॉजी में, राइट। जूलॉजी में ही जो है सिर्फ ऐसा फॉलो अप होगा कि जीनस और स्पीशीज नेम जो है जो क्या होंगे, सिमिलर। जैसे अभी मैंने लिखा था आपके पास यहां पर क्या, नाजा नाजा, राइट। तो आप यहां पे देख रहे हो कि नाम जो है जीनस और स्पीशीज का वो क्या है, सिमिलर है, राइट। वैसे ही हमारे पास जैसे है रेटस, रेटस रेट का नाम, तो यहां पर भी आप देख रहे हो ये सिमिलर है, राइट। मकाका मकाका मंगी का नाम है, तो हमें दिख रहा है जूलॉजी के केस में इट इज एक्सेप्टेबल, बट बॉटनी के केस में यहां पर ये चीज फॉलो अप नहीं होती, राइट। वहां पर जीनस अलग होगा और स्पीशीज जो है वो क्या होगी, अलग होगी, राइट। तो यहां पर आपको जैसे अगर आप देखोगे यहां पर एग्जांपल देख सकते हो, मिमोसा प्यूडिका, तो यहां जीनस अलग है, स्पीशीज अलग है, राइट। लाइकोपोडियम की देखोगे तो ये सारी, साइकस देखो, पाइनस देखो, ये सब के सब जो हैं जीनस अलग हैं और स्पीशीज अलग हैं। तो ऐसे नाम सिमिलर जो हैं जीनस और स्पीशीज के फॉलो अप बॉटनी में नहीं होते हैं, लेकिन जूलॉजी में जो हैं जीनस और स्पीशीज के नाम सिमिलरली फॉलो अप होते हैं। और साथ ही साथ दूसरा पॉइंट ये कि ऐसे नाम को जहाँ सिमिलैरिटी हो हम उनको क्या बोलते हैं, टोटोनाइम्स, राइट। जहां पर जीनस और स्पीशीज का नाम क्या हो, सिमिलर हो, वहां पर हम उनको क्या बोलते हैं, टॉटोनाइम्स बोलते हैं। आई होप यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहां तक हमें पता चल गया है कि रूल्स हमें कौन से फॉलो अप करने हैं, किस तरीके से जो है यूनिवर्सल रूल्स ये चीज चलेगी। सो अब हम बात करेंगे फर्दर ऑन कि हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं, दैट इज सिस्टमैटिक्स, बायोसिस्टमैटिक्स, दोनों में डिफरेंस क्या है। सी, सिस्टमैटिक्स की अगर हम बात करें, अभी तक हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग सिर्फ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स को प्रोसीड आउट कर रहे हैं इन द अरेंजमेंट कि हम लोगों को ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कैसे करना है, राइट। अब यहाँ पर सिस्टमैटिक्स में हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर भी कैरेक्टराइजेशन कर रहे हैं, राइट, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं यहाँ पर भी, उसके साथ साथ क्लासिफिकेशन, एंड द लास्ट वन इज नॉमेनक्लेचर, राइट। लेकिन यहां पर हम इसके साथ साथ एडॉप्ट करते हैं, दैट इज द, जिसके साथ एडॉप्ट होती है चीज वो क्या होती है कि इनके साथ साथ हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी एड करते हैं, राइट।
जब तक हम उसका एवोल्यूशनरी हिस्ट्री नहीं देखेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म के साथ डील कैसे कर रही है, तब तक हम ऑर्गेनिज़म्स को क्लासिफाई नहीं कर सकते। हमारे हिसाब से अगर हमें पता चलेगा, हम ये नहीं देख रहे हैं कि उसका एवोल्यूशन पहले हुआ है या बाद में हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग गलती कर सकते हैं, हम उसको पहले भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर हमें पता है कि उसका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसे रहा है, उसमें एविडेंसेस क्या क्या सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सी चीज़ पहले आई और कौन सी बाद में आई है, अकॉर्डिंगली डैट हम उनको उनके रिस्पेक्टिव किंगडम्स में क्या कर देंगे, डाल देंगे। तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का जो ये रोल प्ले किया, इसने कॉन्ट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा किया है और बहुत ज़्यादा हेल्प किया है हमें क्या करने के लिए, क्लासिफिकेशन को और ज़्यादा ईजी बनाने के लिए, राइट। सो सिस्टमैटिक्स जो है वो हमारे पास लिनियस ने ही बात की थी सिस्टमैटिक्स की, जहाँ पर उसने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को एडॉप्ट कर दिया। बट बेसिकली यहाँ पर जो बात की गई है, यहाँ पर सिर्फ कुछ फ्यू करेक्टरिस्टिक्स को ऐड किया गया है, ठीक है, कुछ ही करेक्टरिस्टिक्स को ऐड किया गया हुआ है। किसके बेसिस पर, राइट, फ्यू करेक्टर्स को ऐड किया है, लेकिन उसके मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर, राइट। कुछ मॉर्फोलॉजिकल एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देख ली, कुछ पॉइंट्स को कंसीडर किया और वहां पर हमने बोल दिया इसको क्या है, ये सिस्टमैटिक्स है। ऑन द अदर हैंड, इसी के साथ साथ हमारे पास एक टर्म और आती है, एंड दैट टर्म इज बायोसिस्टमैटिक्स और इसी को आप नियोसिस्टमैटिक्स भी बोल सकते हो। बायोसिस्टमैटिक्स, नियोसिस्टमैटिक्स एंड इट इज द मॉडर्न टाइप, दिस इज द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ सिस्टमैटिक्स, जहां पर हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को तो अडॉप्ट कर ही रहे हैं कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसा है उन ऑर्गेनिजम्स का, किस टाइम पर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री किस टाइम पे कैसे रही है, बट यहाँ पर हम जो चीज़ें कंसीडर करते हैं वो कंसीडर करते हैं उसकी पॉपुलेशन क्या है, मतलब एक स्केल पर जाकर हम इन चीज़ों को जज कर रहे हैं, उसकी वेराइटीज़ कैसी हैं, ठीक है, उसमें सब स्पीशीज़ कैसी हैं, इन सब चीज़ों को अगर हम देख रहे हैं, देन वी कंसीडर इट इन बायोसिस्टमैटिक्स। बायोसिस्टमैटिक्स और सिस्टमैटिक्स में डिफरेंस क्या बोला मैंने, पहले टेक्सोनॉमी आई, टेक्सोनॉमी में थोड़ा एडिशन हुआ तो हमारे पास सिस्टमैटिक्स बनी। एवोल्यूशनरी सिस्टम हमने वहाँ पर भी देखा, लेकिन वहाँ पर कुछ ही करेक्टरिस्टिक्स को क्या किया जाता था, कंसीडर किया जाता था। ऑन द अदर हैंड, जब हमने बात की बायोसिस्टमैटिक्स की या नियोसिस्टमैटिक्स की, दैट इज द न्यू वर्जन, दैट इज द मॉडर्न वर्जन, जो मॉडर्न वर्जन हमारे पास आया सिस्टमैटिक्स का, वो क्या है हमारे पास, वहाँ पर यही हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स दिखे, यही एवोल्यूशनरी हिस्ट्री दिखी, यही एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दिखा, लेकिन इसके साथ साथ क्या देखा, एक लार्ज स्केल पर पॉपुलेशन में किस तरीके से ये चीज़ जो है वो दिख रही है, वेराइटीज़ कैसे दिख रही हैं, उसकी सब स्पीशीज़ कैसे दिख रही हैं, उन सब को कंसिडर किया और तब जाकर हमारे पास एक पूरा का पूरा कंसेप्ट आया। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ये क्लासिकल कंसेप्ट था, लेकिन वहां पर आप क्या बोलोगे, ये एक मॉडर्न कंसेप्ट है, राइट। और साथ ही साथ दूसरी चीज हम यहाँ पर जो याद रखनी है हमें, बायोसिस्टमैटिक्स या न्यू सिस्टमैटिक जो टर्म है हमारे पास, या फिर आप इसको न्यू सिस्टमैटिक्स भी बोल सकते हो, न्यू भी बोल सकते हो या न्यू भी बोल सकते हो, तो ये वाली जो सिस्टमैटिक है हमारे पास, वो सिस्टमैटिक टर्म जो है वो किसने दी हुई है हमारे पास, हक्सले ने दी है, ठीक है। ये वाली टर्म हमारे पास किसने दी है, दिस टर्म इज गिवन बाय हक्सले, बट ये वाला कंसेप्ट जो था, ये वाली टर्म किसने ही दी है, अभी भी लिनियस ने ही दी थी। आई होप यहां तक भी आपको बात क्लियर हो गई होगी। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर क्या, स्पीशीज की। स्पीशीज की अगर हम बात करें तो पहली बात, व्हाट इज स्पीशीज, स्पीशीज हमारे पास आ जाती है वो टेक्सा जहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, टेक्सा स्पीशीज डैट हैज ओनली रियल एग्जिस्टेंस। स्पीशीज हम उन्हीं को बोलते हैं जो एक्चुअली में आपस में इंटरब्रीड कर सकती हैं और आगे जनरेशन को प्रोसीड आउट कर सकती हैं, तो दैट इज कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग और जीन एक्सचेंज म्यूचुअली। और स्पीशीज जिनके पास बहुत सारी सब स्पीशीज होती हैं, ऐसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्पीशीज मैंने क्या बोला, जहाँ पर वो इंटरब्रीड कर पा रहे हैं आपस में, उनको हम बोल रहे हैं स्पीशीज। और जिन स्पीशीज की बहुत सारी सब स्पीशीज होती हैं, सब स्पीशीज आ जाएंगी तो हम क्या बोलेंगे उनको, पॉली स्पीशीज बोल देंगे, ठीक है,
या फिर आप उनको बोलोगे पॉलीटिपिक स्पीशीज, पॉलीटिपिक स्पीशीज। लेकिन जिनकी एक ही होती है उनके लिए क्या बोलोगे, अगर सिंगल है तो उनके लिए क्या बोलोगे आप, मोनोटिपिक। दो टर्म्स हैं यहाँ पर, मोनोटिपिक एंड द पॉलीटिपिक। मोनोटिपिक आ गई जब हम बात कर रहे हैं सिर्फ सिंगल स्पीशीज की। सिंगल स्पीशी है तो मोनोटिपिक स्पीशी बोलोगे, और अगर ज्यादा है तो आप बोलोगे क्या, पॉलीटिपिक स्पीशीज, राइट। नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं यागी स्पीशीज। अब हम लोगों को स्पीशीज की समझ आ गई, और हम लोगों ने पिछले हमारे प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था, और जिसने नहीं देखा होगा वो लेक्चर सीरीज देख लें और फिर इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। क्या हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि एज वी गो फ्रॉम कहाँ से कहाँ, स्पीशीज से जैसे ही किंगडम की तरफ मूव करते हैं, दिस इज द, यहाँ पे हमने बोला था दिस इज के पी सिंह को खांसी हो गई, जीनोसोर स्पीशीज का नाम सुनते, राइट। एज वी गो फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम द करेक्टर्स, जो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हमने बोला था क्या हो जाती है, दे गोज ऑन डिक्रीजिंग, राइट। यहाँ से ऊपर वाली तरफ जाओगे तो करेक्टर कम होते जाएंगे, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा सिमिलर करेक्टर हमें कहाँ मिलेंगे, सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स आपको कहाँ पे मिलेंगी, आपको मिलेंगी स्पीशीज में। तो आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि क्वेश्चंस आपको या तो इनको ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आ सकता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि सब चार ऑप्शंस दे देंगे, उनमें से पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा करेक्टर्स किस में कॉमनली मिलेंगे। तो आपको याद रखना है स्पीशीज में आपको सबसे ज़्यादा सिमिलर करेक्टर्स मिलेंगे, और साथ ही साथ में हम इसको क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट, डन। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके थ्रू हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि स्पीशीज क्या है और फिर जीनस क्या है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे नाम दिया हुआ है पैंथ्रा लियो, दिस इज लियो, टिग्रस एंड पार्डस, दीज आर द स्पीशीज नेम, राइट। दिस इज ट्यूब्रोसम, नाइग्रम एंड मेलिग्निया, ये सारे क्या है, स्पीशीज के नाम है। बट आप देख रहे हो इन सबका जीनस सेम है, they all having a common genus, that is a monotypic genus. लेकिन species कैसी है, these are the monotypic genus है, एक ही genus है, लेकिन इसकी species क्या है, बहुत सारी, right? अलग अलग species है इसकी, लेकिन species क्या है, बहुत सारी species है। तो panthera leo, panthera tigris, panthera pardus, leo is for the lion, ठीक है, देन टाइग्रस इज फॉर द टाइगर एंड द पार्डस इज फॉर द लेपर्ड। तो आप यहां देख रहे हो कि जीनस सबका एक है कॉमन, दैट इज द पैंथ्रा, बट लियो, टाइग्रस एंड पार्डस आर द डिफरेंट स्पीशीज दैट बिलोंग्स टू अ कॉमन जीनस, राइट। ऑन द अदर हैंड हमारे पास यहां पर क्या है, एक ये एनिमल की एग्जाम्पल दी हुई है, और ये एग्जाम्पल जो मैं डिस्कस कर रही हूँ ये किसकी एग्जाम्पल है, प्लांट्स की एग्जाम्पल डिस्कस कर रही हूँ, सोलेनम ट्यूब्रोसम, सोलेनम नाइग्रम, और तीसरी आ जाएगी मेलिग्निया, ठीक। तो हमारे पास ये तीन एग्जाम्पल जो है ये किसकी है, प्लांट्स की, राइट। सोलेनम ट्यूब्रोसम हमारे पास आ गया पोटैटो, राइट, उसके बाद हमारे पास ब्रिंजल, और ये वाला हमारे पास क्या आ गया, ब्रिंजल, और साथ ही साथ हमारे पास क्या आ गया, मकोई, राइट। ये हमारे पास आ जाती है किसकी, सोलेनम की ये चीजें आ जाती है, राइट। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ गई इसकी भी। नेक्स्ट बात करते हैं हम, हमारे पास ये आ गया स्पीशीज, नेक्स्ट बात हम करते हैं अबाउट द, वहां पर हमने जीनस और स्पीशीज की बात की। स्पीशीज में हमने बोला सबसे ज्यादा कॉमन करेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, उसके ऊपर जाएंगे तो जीनस में से कम मिल रहे हैं हमें। अब हम बात करने जा रहे हैं फैमिली के बारे में। तो फैमिली में इसका मतलब क्या है, आप कैसे डिफाइन करते जाओगे, इट इज अ ग्रुप ऑफ जीनस, जीनस के ग्रुप को, राइट, ग्रुप ऑफ जीनस को आप क्या बोलोगे, फैमिली। वही कॉन्स्टिट्यूट करके क्या बनाएंगे, वही ग्रुपिंग करके क्या बनाएंगे, हमारे पास फैमिली क्रिएट करेंगे। तो पैंथरा और दूसरी तरफ हमारे पास है फेलिस, राइट।
दे कम्स अंडर अ कॉमन फैमिली दैट इज फैलिडिए। पैंथ्रा इज यूज फॉर, अभी मैंने आप लोगों को बताया पैंथ्रा जो है वो, उसमें हमने लॉइन पढ़ा, उसमें हमने टाइगर पढ़ा, लेकिन फैलिस जो है, फैलिस वर्ड यूज किया जाता है फॉर द कैट। तो अगर इन दोनों में अगर देखोगे तो सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन कम सिमिलैरिटीज हैं। बोला जाता है ना कि ये चीते की उसमें से ही आ रही हैं, तो लॉइन टाइगर और कैट की अगर देखोगे तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन है, बिकॉज दे आर बिलोंग टू द सेम फैमिली दैट इज द फैलिडिए। ठीक है, ऑन द अदर हैंड हमारे पास अगर हम बात करें सोलेनेसी फैमिली की, तो सोलेनेसी फैमिली में हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स आ जाती हैं, दैट इज दतूरा, पिटूनिया एंड द थर्ड वन इज सोलेनम। राइट, ये तीन चीजें जो हैं हमारे पास आ जाती हैं। ये किसकी आ गई, प्लांट की एग्जाम्पल, जो डीपीएस, इट इज नॉट द डेली पब्लिक स्कूल बट इट इज दतूरा, पिटूनिया एंड द सोलेनम। ये एनसीईआरटी की एग्जाम्पल्स हैं जो दी हुई है, दैट बिलोंग्स टू विच, दैट बिलोंग्स टू द फैमिली सोलेनेसी। क्लियर, तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया अबाउट द फैमिलीज। फैमिली के नेक्स्ट अगर आप बात करोगे ऑर्डर की, तो ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा इट इज ऑल्सो अ ग्रुप। ये किसका ग्रुप आ जाएगा, इट इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज, ये फैमिली का ग्रुप आ जाएगा। बहुत सारी फैमिलीज को आप क्या करोगे, फैमिलीज को आप यहां पर कंसीडर करोगे, तो उसके ग्रुप को आप क्या बोलोगे, ऑर्डर बोलोगे। राइट, अब यहां पर देखो हमारे पास कॉमनली कैनिडिया में आता है हमारे पास कैनिस, दैट इज डॉग। और दूसरी तरफ अगर आप बात कर रहे हो फैलिस, अभी मैंने बताया फैलिडिए फैमिली से बिलोंग कर रहा है, दैट इज यहां पर आ जाएगी हमारे पास कैट। कैट बिलोंग्स टू द फैलिडिए, बट कैनिस द डॉग, सॉरी डॉग बिलोंग्स टू द कैनिडिए। राइट, तो यहां पर हमारे पास जो है ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों वेरिएंट अलग अलग फैमिली से हैं, लेकिन इनका ऑर्डर क्या है, सिमिलरली दैट इज कार्निवोरा, बिकॉज दे बोथ आर कार्निवोरस। राइट, ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें हमारे पास, ये सारी एनसीईआरटी की एग्जांपल्स हैं और सारी की सारी इंपॉर्टेंट हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें कॉनवोलेसी की, या फिर हम बात करें सोलेनेसी की, दे ऑल बिलोंग्स टू द पॉलीमोयल्स। राइट, यहां पर एससीपी करके याद कर सकते हो, ठीक है, इट इज नॉट सिंगल सेल प्रोटीन करके नहीं याद करेंगे हम, याद करेंगे कैसे, सोलेनेसी एंड कॉनवोलेसी बिलोंग्स टू पॉलीमोनेल्स। राइट, ये ऑर्डर की एग्जांपल आ गई जो हमारे पास एनसीईआरटी में मेंशन है। ऑर्डर की एग्जांपल क्या बोली मैंने हमें यहाँ पर, दैट इज फैलिडिए एंड कैनिडिए बिलोंग टू कार्निवोरा, ऑन द अदर हैंड कॉनवोलेसी एंड सोलेनेसी बिलोंग टू पॉलीमोनेल्स। राइट, अब ऑर्डर तक हम पहुंच गए, ऑर्डर के बाद हमारे पास जो चीज आती है दैट इज, अब यहां पर अगर देखते जाओ, अब हमने कॉन्स्टिट्यूट करके पूरा इकट्ठा इस चीज को फ्रेम करके बाद हम बता रहे हैं। अब क्लास की अगर मैं बात करूं, तो क्लास में हमारे पास क्लासेस कैसे आ जाती हैं, जैसे मैमिलिया, जैसे इंसेक्टा, इंसेक्टा क्लास आ गई जिसमें इंसेक्ट्स आ रहे हैं, मैमिलिया आ गई जिसमें मैमल्स आ रहे हैं। राइट, उसके बाद एम्फीबिया, एम्फीबियंस आ रहे हैं, उसके बाद एप्स, बर्ड्स आ रहे हैं, रेप्टिलिया, तो उसमें क्या आ रहे हैं, रेप्टाइल्स आ रहे हैं। तो एक कॉमन चार्ट जो हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उस चार्ट को हम पढ़ते हैं। ये चार एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, द फर्स्ट वन इज द ह्यूमन, दैट इज द मैन। हमारे पास यहाँ पर कैटेगराइज है, कॉमन नेम क्या है इनका, बायोलॉजिकल नेम क्या है, जीनस क्या है, स्पीशीज क्या है, फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड द फाइलम। राइट, तो फर्स्ट अगर हम बात करें हमारे पास यहाँ पर है, दैट इज द मैन। मैन की अगर हम बात करें तो मैन का जो नाम है, साइंटिफिक नेम, दैट इज द बायोलॉजिकल नेम, दैट इज होमोसेपियंस। राइट, होमो बिलोंग्स टू द जीनस एंड सेपियंस बिलोंग टू द स्पीशीज। राइट, देन फैमिलीज की क्या है, होमिनिडिए। तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि फैमिलीज को लिखने के लिए देखो जो यहां पर क्या लग रहा है, सुफिक्स लग रहा है, सुफिक्स मतलब जो बाद में लगता है, दैट इज डीए। राइट, प्लांट्स के केस में एसी दिखेगा आपको, लेकिन
एनिमल्स के केस में आपको क्या दिखेगा, डी ए डी ए, ठीक है, सबके लास्ट में देखो डी ए दिखेगा, लेकिन प्लांट्स के केस में देख रहोगे तो आपको सी एस सी दिख रहा है दोनों में, देखो आप ये चीज देख सकते हो, राइट। सो मैन इज होमो सेपियन, जीनस इज होमो, स्पीशीज जो नेम है वो सेपियंस है, फैमिली आ गई होमिनिडे, ऑर्डर आ गया प्राइमेटा, क्लास आ गई इसकी मैमिलिया, एंड द फाइलम ऑफ कोर्स क्या होगा इसका, फाइलम हमारे पास क्या है, दैट इज कॉर्डेटा। और अगर आपसे पूछा जाए इसका किंगडम क्या है, तो किंगडम आप क्या बोलोगे, किंगडम क्या बोलोगे, इसका किंगडम क्या है, एनिमिलिया, राइट। द सेकेंड एग्जाम्पल इज हाउस फ्लाई, मक्खी, दैट इज मुस्का डोमेस्टिका। डोमेस्टिका क्यों, क्योंकि घर घर में है, डोमेस्टिक, डोमेस्टिका घर घर पे है, मुस्कान से याद रखोगे मुस्का, और डोमेस्टिका जो है इट इज अ स्पीशीज, राइट। फैमिली का नाम आ जाएगा मुसेडिये, ठीक। ऑर्डर पे एक बार क्वेश्चन आया हुआ है इसका, दैट इज डिप्टेरा, ठीक है, डाइटेरा इसका जो है वो क्या है, ऑर्डर, क्लास इसकी इंसेक्टा आ जाएगी, फाइलम इसका क्या आ जाएगा, ऑर्थोपोडा, और किंगडम क्या आ जाएगा दोनों का, एनिमिलिया, राइट। ऑन द अदर हैंड हमारे पास मैंगो है, मैंगो इज अ प्लांट, ठीक है, ट्री है हमारे पास, मैंगो का साइंटिफिक नेम आ जाएगा मैग्निफेरा इंडिका। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है कि इसको किस ऑर्डर में, किस तरीके से इसको जो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, और किस तरीके से ऑथर का नाम जो है वो साथ में लिखा जाएगा। तो मैग्निफेरा इंडिका, राइट, ये कहाँ से बिलोंग करता है, इसकी फैमिली क्या है, एना कार लेकर गई थी, एना कार डीएससी, एना को बोला कार लेके जाओ और मैंगो को लेकर आ, एना कार डीएससी, राइट, याद कर लो, क्योंकि यहाँ से टेबल में से कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने आपको बोला लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया हुआ है 2 साल पहले। यहाँ पर हम याद कर रहे हैं मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैग्निफेरा इंडिका, राइट। उसके बाद हमने उसका फैमिली का नाम याद किया, किस तरीके से हमने बोला एना कार लेके जाओ और मैंगो को लेकर आओ, एना कार डीएससी, डीएससी आपको लास्ट में देखो दिख रहा है, यहाँ पर डीएससी बिलोंग्स टू द फैमिली को लिखने के लिए प्लांट्स में लास्ट में लिखा होता है सी ए ए, राइट। उसके बाद ऑर्डर की अगर बात करो तो सेपेंडेल्स, दैट इज एल्स, राइट, ये देखो मैं साथ साथ यहाँ पे लिख रही हूँ, जो इसके सुफिक्स लिखे जाते हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पर ए ए लास्ट में इंसेक्टा, राइट, इसमें आपको दिख रहा है सी ए ए ई, राइट, ये सब जगह देखो आपको इसी तरीके से दिखेगा, एंड दिस इज डी ए ई, दिस इज प्राइमेटा, तो देखो यहाँ पर आ, देन क्लास इसकी क्या है, दे आर द डाइकोटिलीडन्स, तो डाइकोटिलीडनी में आ जाएगा, राइट, और उसके अलावा ये बिलोंग करते हैं किससे, एंजियोस्पर्म से। और किंगडम की अगर बात करोगे तो किंगडम क्या आ जाएगा इनका, प्लांटे, राइट। एंड द लास्ट एग्जांपल इज ऑफ वीट, वीट का साइंटिफिक नेम जो है हमारे पास वो क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम, क्या नाम है इसका, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम इसका जीनस है और एस्टिवम इसकी क्या है, स्पीशीज है। इट बिलोंग्स टू द फैमिली पोएसी, इट बिलोंग्स टू द फैमिली पोएसी एंड द ऑर्डर पोएल्स, राइट, पोएसी एंड पोएल्स, और साथ ही साथ उसकी क्लास है वो क्या है, मोनोकोटिलिडनी, मोनोकोटिलिडनी है यहां पर, यहां पर डाई है, दैट मींस इट बिलोंग्स टू द डाइकॉट्स एंड इट बिलोंग्स टू द मोनोकॉट्स, लेकिन सेम क्या रहेगा यहां पर भी, एंजियोस्पर्मी, राइट, और किंगडम सिमिलरली इसी तरीके से हमारे पास किंगडम जो है वो यहां पर क्या रहने वाला है, ये दोनों के दोनों बिलोंग करते हैं प्लांटे से, और ये वाले दोनों के दोनों बिलोंग किससे करेंगे, एनिमिलिया से। आई होप ये वाला चार्ट आपको याद हो गया होगा। मैन का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस, वीट का साइंटिफिक नेम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम, कहां से बिलोंग कर रही है, फैमिली क्या है इसकी, पोएसी, उसके बाद फैमिली के बाद क्या पूछा गया आपसे, ऑर्डर पूछा गया है, दैट इज पोएल्स, क्लास क्या है इनकी, मोनोकोटिलिडनी, और अगर आपसे पूछा जाता है कि यहां पर फाइलम क्या है, आप बोलोगे एंजियोस्पर्मी,
और किंगडम क्या है? प्लांटे। उसी तरीके से हमारे पास, हमने बात की मैंगो की, तो मैंगो के लिए हमने बोला मैग्निफेरा इंडिका। मैग्निफेरा उसका जीनस आ गया, इंडिका उसका क्या आ गया, स्पीशीज। तो देखो मैंने सेपरेटली अंडरलाइन किया है क्योंकि हम प्रिंटेड फॉर्म में इटैलिक्स में यूज नहीं कर रहे, राइट? और कैपिटल लेटर और ये वाला स्मॉल लेटर से ही लिखा है। देन फैमिली क्या आ गई इसकी, एनाकार्डिएसी, राइट? आफ्टर दैट इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, सेपेंडेल्स, उसके बाद डाइकोटिलिडनी, एंजियोस्पर्म, एंड द लास्ट इज द किंगडम प्लांटे। तो यहाँ तक हमारे पास जो है ये पोर्शन खत्म होता है कि किस तरीके से जो है हम इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये जो मैंने एग्जांपल अभी यहाँ पे डिस्कस की है, ये बिल्कुल एनसीईआरटी की एग्जांपल्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बार इनको पढ़ो, और आसान है, मुश्किल नहीं है, एक बार बस रीड आउट करने की ज़रूरत है। रीड आउट करके दिमाग में एकदम आपके बैठ जाएगी ये सब चीज़ें और आपको लगेगा कि बहुत आसान है, राइट? तो आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं। जो चीज़ें आपको डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में इनको लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो, जो भी आपके सजेशंस हैं। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।